Hi guys, welcome back to the channel and to a new video. Recently, हम एक road trip पे गए थे and that was towards the Tamil Nadu. Tamil Nadu में हमने around 10 days का plan किया हुआ था. Day 1 और day 2 के vlogs already मेरे channel पे uploaded हैं and उनका link नीचे description box में होगा. So today's video is about the road conditions from Bangalore to Kanyakumari, which is around 670 kilometers. And हमने throughout night drive करी है. बारिश हो रही थी, so हमने बारिश में ही drive किया है. So आज की video में मैं आपके साथ वही share करने वाली हूँ कि Bangalore टू कन्याकुमारी रोड कंडीशंस कैसी हैं. वी हैव होंडा सिटी VX पेट्रोल एंड इसी में हमने सारे ट्रिप्स किए हैं एंड नाइट ड्राइव थी. सो नाइट ड्राइव में हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा, रोड कंडीशन कैसी थी बारिश में, बिकॉज थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ड्राइव करना. एंड 1 से 6 बजे तक रात को बारिश में मैंने अकेले ड्राइव किया है. गौरव एंड स्वाति बोथ वर स्लीपिंग. सो मैं आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पाऊंगी कि रोड कंडीशंस कैसी हैं सिंस मैंने ड्राइव किया है. सो चलिए वीडियो देख लेते हैं और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कनेक्ट कर सकते हैं. तमिलनाडु की जितनी भी स्टोरीज हैं सब इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं. सो गो एड एंड फॉलो माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज़ मेंशन अगेन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना. ऑफिस और घर के सारे काम खत्म करने के बाद रात को 10 बजे हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है एंड वी प्लान कि हम नाइट ड्राइव ही करने वाले हैं. दिस इज़ द कंडीशन ऑफ आर बूट. हमारा बूट कम्प्लीटली पैक्ड है. दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम कि हम कुछ इस तरीके का ट्रिप करने जा रहे थे जहाँ हमें पूरा घर का खाना भी लेके चलना था और हमें एयरबीएनबीज बुक करने थे. उससे हमें काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस मिला है फॉर आर फ्यूचर ट्रिप्स, कैसे करने हैं और क्या करना है, किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है. तो चलिए अब ट्रिप स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर आप कार का बूट देख ही रहे हैं, फुल्ली पैक्ड है. लॉन्ग कार रोड ट्रिप्स पे सबसे बड़ी चीज़ जो होती है दैट इज़ द सेफ्टी एंड टू गेट द बेस्ट एवरेज आउट ऑफ योर कार. सो उसके लिए भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इन आर नेक्स्ट वीडियो. सो स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. सो 10 बजे हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है बैंगलोर से एंड 11 बजे तक मैं यहाँ सो गई हूँ बैक सीट पे, बिकॉज अगर आपको नाइट ड्राइव करनी है देन यू नीड कॉन्सेंट्रेशन एंड उसके लिए आपको अच्छी नींद की ज़रूरत है. सो इसीलिए मैंने क्विक नैप ली है सो दैट आई कैन डू प्रॉपर नाइट ड्राइव, बिकॉज स्वाति और गौरव दोनों बाद में सोने वाले थे. नाइट ड्राइव में एक चीज़ की प्रॉब्लम आती है दैट इज़ द पीपल सिटिंग नेक्स्ट टू द ड्राइवर, इफ़ दे स्लीप देन ड्राइवर ऑल्सो टेंड टू गेट स्लीपी. सो आप वो वाले ड्राइवर्स चूज़ कीजिए जिनको बेसिकली इन चीज़ों से इफेक्ट ना पड़ता हो. सो इसीलिए मैंने अपनी नींद पूरी पहले ही कर दी. इन केस NH44 इज़ क्रॉसिंग एनी मेन सिटी या टाउन, सो वहाँ पे NH44 काफ़ी ज़्यादा लिट अप है एंड रोड कंडीशन काफ़ी अच्छी है. Hey guys, मेरी नींद होके पूरी हो चुकी है. रात का अभी बज रहा है कुछ 1. नाउ इट्स माय टर्न टू ड्राइव. गौरव, अभी तक हम कितने किलोमीटर कर चुके हैं? अभी तक हम 200 किलोमीटर कर चुके हैं. आई एम हाइड्रेटिंग माई सेल्फ. हाय गाइस, सो फाइनली रति इज ड्राइविंग. शी हैज ड्रिवन अराउंड 100 किलोमीटर्स नाउ इन द रेन. फोरकास्ट इज दैट देयर आर रेन एक्सपेक्टेड इन तमिलनाडु. NH44 प्रॉपरली मेंटेन्ड है एंड इस पे जहाँ पे भी कट आएंगे वहाँ पे इस तरीके की रेड एंड ब्लू लाइटें फ्लैश कर रही होती हैं. सो यू गेट टू नो प्रॉपरली कि यहाँ पे कट्स हैं एंड इनके जो बैरिकेडिंग हैं उन पे भी अच्छे से रिफ्लेक्टर्स लगाए हुए हैं. सो नाइट ड्राइविंग में काफ़ी ईजी रहती है. नाइट ड्राइविंग के लिए मेक श्योर टू ड्राइव एट अ कंफर्टेबल स्पीड. जिस स्पीड पे आप अपनी कार किसी भी सिचुएशन में हैंडल कर सकते हैं वही स्पीड पे आप ड्राइव कीजिए. एंड इस सिचुएशन में रेन हो रही थी सो आई कुड नॉट स्पीड ऑल्सो. आई वॉज ड्राइविंग एट 65-70, इससे ऊपर मैं जा नहीं रही थी. एंड ऑल्सो द रोड कंडीशन इज़ टू गुड. टार्ड रोड्स हैं, बहुत अच्छी कंडीशन में है. टोल्स इस रूट पर ज़्यादा है और कंडीशन रोड की बहुत अच्छी है, कम्फर्टेबल ड्राइविंग है. इस टाइम तक मैं कुछ 150 किलोमीटर तक चला चुकी थी एंड उसके बाद सब सो गए एंड मैंने सुबह 6 बजे तक चलाया. आफ्टर दैट गौरव टुक द व्हील. रति, आप बारिश में चला रही हैं, क्या एक्सपीरियंस रहा? शी इज काइंड पिस्ड ऑफ. देखो बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग. It's raining continuously, but what a beautiful highway, man. It's highway or the driving? काफी बढ़िया highway. आयरनी इज कि सुबह तक बारिश हो रही थी बट इस वक्त फुल धूप निकली हुई है. वेल ऑल फॉर गुड. और यहाँ मेरी बहन सो रही है. All out of it.
यहाँ हम तमिलनाडु पहुंच चुके हैं। कन्याकुमारी पहुंचने से पहले हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया है 7 बजे एट सरवाना भवन। NH44, वाओ, आप देख रहे हो कितना सुंदर हाईवे है। इस हाईवे पे आ रहे हो, बिल्कुल भी स्पीड मत करो, नॉर्मल स्पीड पे जाओ। इतना ज़्यादा आई प्लीजिंग हाईवे है कि आप बस इसकी सीनरीज देखते रह जाओगे। हर मोड़ पे, हर टर्न पे इसकी सीनरीज बदल जाती हैं, स्पेशली जब विंड मिल जाती हैं। वीडियो पूरा ज़रूर देखना। तू मेरे सामने चश्मा पहन के पीछे के भी पहाड़ी लेता जा रहा है जस्ट टाइम टू गेट टैंक फुल अगेन सो दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड टैंक पेट्रोल टैंक फुल सेकंड टैंक कुछ 29-25 रुपीस का भरा है। बहुत ही सुंदर हाईवे है श्रीनगर कन्याकुमारी का NH44 हाईवे। डेस्टिनेशन पे किसको पहुंचना है यार, अगर जर्नी ही इतनी सुंदर है। आपको सामने ये सारे पहाड़ दिख रहे हैं, क्लोज अप लुक दिखाती हूँ। ये देखो, ओ माय गॉड, इट इज सो ब्यूटीफुल। मतलब इस हाईवे पे हम जैसे जैसे क्रॉस करते जा रहे हैं, ये हाईवे और सुंदर होता जा रहा है। स्वाति ऑन द व्हील्स। NH44 डबल हाईवे है, कहीं जगह ये 4 लेन हो जाता है, कहीं जगह 6 लेन हो जाता है, एंड कन्याकुमारी के पास पहुंचते पहुंचते 2 लेन भी हो जाता है। The windmills are humongous guys. और बहुत ही सुंदर हाईवे है, मैं क्या बोलूं। जितनी वीडियोस और जितनी क्लिपिंग्स, जितनी फोटोज मैं ले रही हूँ कम पड़ रही हैं। अब ये विंडमिल्स हमारे बहुत ही पास आ चुकी हैं एंड ह्यूमंगस हैं, लिटरली ह्यूमंगस हैं। ये देख रहे हो, क्लियर व्यू आ रहा है बिल्कुल। कश्मीर कन्याकुमारी हाईवे एक ऐसा हाईवे है जहाँ पे आप स्पीड मत करो, बहुत ही नॉर्मल स्पीड पे जाओ और इसकी सीनरीज एंजॉय करो। बस इतना सुंदर हाईवे है ये, बहुत ही ज्यादा सीनिक हाईवे है। Do come here. अब मैं इसके लिए क्या बोलूं? सब जगह विंडमिल्स ही विंडमिल्स है और बहुत सुंदर लग रहा है। पहुंचने वाली है और स्पीड हम मेंटेन कर रहे हैं 60-80 अगेन। तो यस गाइस, ये थी हमारी वीडियो ऑन द रोड कंडीशन फ्रॉम बैंगलोर टू कन्याकुमारी। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू डिड देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट लाइक बटन एज वेल। बाय बाय।